पे ऐसा चिन्ह है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो समझिए कि एक फीमेल की कब्र, ये एक मेल की कब्र है क्योंकि इस पे एक सीधी लकीर, सीधा डंडा बना हुआ है। मैंने इस पे फ्लैश लाइट मारी है और पत्थर के अंदर तक लाइट जा रही है, तो ये उनकी कब्र बनी होती है ऐसी, जिनकी गर्दन कटी है। ये बहादुर शाह जफर यहाँ छुपने आए थे, और ये जो आप एंट्रेंस पे देख रहे हो ना, और ये आपको कुछ हिंदू वाटर टैंक जैसे दिखते हैं। आज हम आए हैं हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम कहा जाता है कि ताजमहल इसी की नकल पे बना है, और अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि सच में ताजमहल इसी की नकल पे बना है। पहले ये बना था, बाद में बना था ताजमहल। जो आप वीडियो में गेट देख रहे हो, इसे बोलते हैं अरब सराय। सराय मतलब आराम करने की जगह, ठीक है। तो जो पर्शिया से मजदूर आए थे हुमायूं टॉम को बनाने, उनके आराम करने की ये जगह है। इसके अंदर वो बनाया गया, उनके आराम करने के लिए आराम गृह बनाया गया, तो इस जगह को बोलते थे अरब सराय, अरब सराय गेट। ये एंट्रेंस में मेरे को क्या चीज़ मिली, मैं आपको बताता हूँ। आप ये जो स्टार देख रहे हो, स्टार के अंदर का फूल देख रहे हो ध्यान से, तो इसका मतलब होता है कि ये किसी की याद में बनाया गया। वो मकबरे जिसके अंदर ऐसे स्टार बना हो, स्टार के अंदर ऐसे छोटा सा ये फूल बना हो, तो समझिए किसी की याद में बनाया गया। अगर ये सिर्फ खाली स्टार होता तो मतलब ये होता कि ये एक ग्रेवयार्ड है। हमीदा बेगम ने अपने पति की याद में हुमायूं टॉम बनवाया था। और हुमायूं का एक आपको बात बताता हूँ, कहा जाता है कि बड़ा ही बदनसीब बादशाह था वो। उसकी हिस्ट्री मैं किसी दूसरे ब्लॉग में बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते तो बताना, मैं उसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग बना दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी उसकी दर्द भरी भी क्या, मतलब रोमांचक हिस्ट्री काफ़ी उसकी ऐसी है कि आपको उस पर एक तरीके से तरस ही आएगा। और उसकी मौत भी काफ़ी सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हुई थी, और उसके पीछे भी एक कारण था। तो अभी बैक टू द स्टोरी आते हैं हम, कि ये हुमायूं टॉम के ऊपर आते हैं हम। तो ये बनवाया था हमीदा बेगम ने, इसे फंड किया था, और जिसमें हाथ कुछ हद तक अकबर का भी था इसे बनवाने में। आप ये जो वीडियो में देख रहे हो ना, ये जगह, इस जगह को बोलते हैं अरब सराय, जिसका मैंने आपको वीडियो में पहले गेट दिखाया था। अरब सराय मतलब इस जगह को जब हमीदा बेगम ने बनवाने की नींव रखी थी, तो इस जगह के आर्किटेक्ट जो थे वो मंगाए थे पर्शिया से। आपको डिफ्रेंशिएट करना बता दो, अगर आप एक कब्र देख रहे हो और उस पर ऐसा चिन्ह है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो समझिए कि एक फीमेल की कब्र है। फीमेल की कब्र पर अक्सर ऐसे चिन्ह होते हैं, और ये एक मेल की कब्र है क्योंकि इस पर एक सीधी लकीर, सीधा डंडा बना हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक मेल की कब्र है। और यहाँ भी ये एक मेल की कब्र है। आप ऐसे, आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ तो आप ऐसे जस्ट अंदाज़ा लगा सकते हो मेल और फीमेल की कब्र का। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स रहा होगा, क्योंकि सेंटर की जगह सिर्फ दो बेसिस पे मिलती थी, या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, या फिर क्या कहते हैं, वो उसकी मृत्यु परिवार में सबसे पहले हो गई है तो उसे सेंटर की जगह मिलती है। इस जगह को मुगलों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। 150 से ज़्यादा यहाँ पे कब्रें हैं, 150 से भी ज़्यादा, और हज़ारों से ज़्यादा लोग यहाँ पे दफन हैं। तो उसे एक तरीके से इसे दूसरा नाम दिया गया है, इसे दिया गया है मुगलों का कब्रिस्तान। देखिए, जैसा मैंने कहा था ना कि ताजमहल इसी की कॉपी है, आप अगर अब ध्यान से देखोगे आपको ताजमहल ही लगेगा। तो पहले ये बनवाया गया था, बाद में ताजमहल बनवाया गया था। ये है हुमायूं का मकबरा, और ताजमहल इसी की कॉपी है। जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये मुगलों का ग्रेवयार्ड है, तो आप ये कब्र देखोगे ना, इस पूरी जगह पर आपको कब्र ही कब्र मिलेंगी। ये जो छोटी कब्र है, कहा जाता है ये मुगल घराने के जैसे दामाद होगा उनकी कब्र है, जो छोटे मतलब जो तबके में छोटे थे उनकी छोटी कब्र है, जो तबके में बड़े थे उनकी बड़ी कब्र है। ये आप जो गेट देख रहे हो ना, हर कमरे के बाहर एक गेट मिलेगा आपको। ये देखो, ये आप गेट देख रहे हो ना, जब हमीदा बेगम ने इस जगह को बनवाया था ना, तो गेट एक भी नहीं थे, ठीक है, एक भी गेट नहीं बनवाए गए थे। बट हुआ क्या, जैसे आपको इतिहास में पता हो कि बहादुर शाह जफर यहाँ छुपने आए थे, तो जब वो छुपने आए थे ना, तो ये सारे गेट आप पूरी इमारत में देखोगे ना, सारे गेट उन्होंने बनवाए हैं। अकबर ने अपने समय में एक धर्म बनाया था, दीन इलाही मतलब सेक्युलरिज्म। अगर आप डिज़ाइन देखोगे हुमायूं मकबरे में, तो आप ये जो पैटर्न देख रहे हो ये इस्लामिक पैटर्न है, ये देखोगे तो ये पर्शियन पैटर्न है, अगर आप ये देखोगे तो ये हिंदू का हिंदू पैटर्न है। तो ये क्योंकि रखी इसकी नींव थी वो, इसकी रखी थी हमीदा बेगम ने, बट अकबर ने क्योंकि उन्होंने पैसा भी, हमीदा बेगम ने इस जगह को फंड किया था, पर अकबर ने इस जगह को बनवा रहे थे, तो उन्होंने कुछ आर्किटेक्ट में जो हेर फेर बोला जाए या सजेशन दिया, वो ये भी एक वो था। और अगर आप ये देखोगे ना ऊपर, ये पूरा प्रॉपर जो पिलर बना, ये जो डिज़ाइन है ये पर्शियन डिज़ाइन है। अच्छा, पर्शियन डिज़ाइन की एक और मैं आपको बात बताता हूँ, शायद ये ऊपर से देखेगा, जब मैं ऊपर जाऊँगा तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। आप ये बाघ देख रहे हो, 1 2 3 4, और ऐसे यहाँ पे भी ऐसे चार चार बाघ हैं।
ये चार बाग, मकबरे के चारों तरफ चार बाग है। ये चार बाग दर्शाता है कि ये पर्शियन डिज़ाइन है, पर्शियन आर्किटेक्ट बना हुआ है, और जो इसका गेट है अरब सराई वो भी उन्हीं के लिए बनवाया गया था कि वहाँ पे पर्शिया से आए हुए कारीगर रहते थे। अरब सराय जो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो दिखाने वाला हूँ दारा सिको की कबर। दारा सिको जैसा मैं पहले बता चुका था, काफ़ी सेकुलर बादशाह कह लो या राजकुमार था, उसने हमारे ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था और सूफियों के संग बैठने बैठने का था, काफ़ी पोएटिक टाइप का आदमी था वो। तो मैं उनकी अब आपको कब्र दिखाता हूँ और थोड़ा सा आपको ना डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कब्र के बारे में। जो आप कब्र अगर ध्यान से देखोगे, ये दारा सिको की कब्र है, मैं और उसमें एक आपको चीज़ दिखा दूँ, अगर ये आप गड्ढा देख पा रहे हो तो ये उनकी कब्र बनी होती है, ऐसे जिनकी गर्दन कटी होती है, मतलब इसके अंदर जो दफन है उनकी गर्दन कटी है, तो उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है। दारा सिको की गर्दन काट दी गई थी और तो कब्र में, जो कि आपको साफ समझ आ रहा होगा, और उन्होंने कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे चील को वो के लिए डाल देना, उनके खाने के लिए डाल देना। अगर आप उस कब्र में अभी गड्ढा देख रहे हो ना, आप, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, इस गड्ढे में लोग आज भी पानी, आप देख सकते हो, तो पानी और खाना वाना डाल देते हैं, तो यहाँ पे आके चिड़िया बिड़िया खा लेती है। देखिए ये कब्र आप समझ चुके हो, ये एक मेल की कब्र है, ठीक है, क्योंकि इस पर स्ट्रेट लाइन है। ये भी एक मेल की कब्र है क्योंकि इस पर स्ट्रेट लाइन है। ये एक बच्चे की कब्र है, वो भी एक बच्चे की कब्र है, पर आप दारा सिको की कब्र देखोगे तो उसका डिज़ाइन ही बहुत अलग है, और उसका डिज़ाइन रीज़न अलग होने का रीज़न यही है कि वो बनी ही उन लोगों के लिए जिनकी गर्दन कट गई हो, जिन्हें गर्दन काट के मारा गया हो, उनकी कब्र कुछ इस तरीके से बनती है। अभी मैं सेंटर में खड़ा हूँ, अगर आप इस साइड देखोगे तो वहाँ एक बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ पे एक खिड़की है। अगर आप इस जगह को देखोगे सेंटर में, ये वाली जगह बंद है, ये वाला रूम, यही वो रूम है जहाँ पे बहादुर शाह जफर आकर छुपे थे और उन्होंने यहाँ दीवार बनवा दी थी गेट और खिड़की हटा के। इसका एक सबूत ये है कि अगर आप ऊपर देखोगे ना, ये गेट आज भी टूटा है, तो अंग्रेज़ों यहाँ पे टूटने का निशान दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब बहादुर शाह जफर को निकाल रहे थे तो ये जगह तोड़ी गई थी, ये जगह नहीं, ये गेट तोड़ा गया था, बहादुर शाह जफर को यहाँ से अंग्रेज़ों ने बाहर निकाला था। कि हालांकि इस जगह पे होना चाहिए था खिड़की या गेट, पर आपको नहीं दिखेगा, सब जगह दिखेगा, बस इस जगह पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो यहीं छुपे हुए थे। ये है हुमायूं की कब्र, ठीक है। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, फैक्ट, ये रहा सेंटर के जस्ट नीचे होती है बादशाह या मेन बंदे की कब्र, जो कि यहाँ पे है। ये देखिए, ये जो संगमरमर देख रहे हो ना, ये प्योर फॉर्म है, क्योंकि मैंने इस पर फ्लैश लाइट मारी है और पत्थर के अंदर तक लाइट जा रही है, इसी पत्थर से ताजमहल बनवाया गया, ये प्योर संगमरमर का पत्थर है। हुमायूं की दो वाइफ थी, ठीक है, एक इसकी कब्र ये है और एक ये है। हाँ, ये छोटी इसलिए क्योंकि दो वाइफ थी, इनकी उम्र कम थी, इनकी उम्र ज़्यादा थी, और इन्हें अगर आप देखोगे सेंटर मिलने का रीज़न ये है कि इनकी मृत्यु पहले हो गई थी, जो कि अकॉर्डिंग टू लो सही होता है, जिसकी मृत्यु पहले होगी उसे सेंटर मिलेगा। तो छोटी वाली की मृत्यु पहले होगी तो उन्हें सेंटर मिला, और ये साइड में उनकी वाइफ की कब्र है जिनकी मृत्यु बाद में हुई थी, और हमीदा बेगम जिन्होंने ये हुमायूं टॉम बनवाया, उनकी कब्र ये है। तो आप लोगों ने कई बार गौर किया होगा कि हिंदुस्तान में ना, गौर करना अगर नहीं भी किया, जो मुगल्स महल है ना वो बहुत कम है, जो मकबर है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मकबरे हैं। हुमायूं का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, आपको सफदरजंग टॉम हो गया, आपको मकबरे बहुत मिलेंगे, जिसका रीज़न ये है कि मुगल्स का मानना ये था कि हम अपने महल में रहेंगे कितना, ज़्यादा से ज़्यादा जिए तो 60-70 साल तक जिएंगे, बट हमें ज़्यादातर अपना वक्त बिताना है, हमें अपनी कब्र में डे बिफोर जजमेंट, कयामत की रात से पहले हमें उसी के अंदर ही रहना है, उसी के अंदर सोना है, और जिस दिन वो कयामत की रात आएगी तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा फैसला हो गया, हमें जन्नत मिलेगा या जो भी मिलेगा हम उधर जाएंगे। तो इसलिए वो अपने मकबरे बनवाते थे, और कई बार कहीं आपको हिंदुस्तान में ऐसे मकबरे भी देख मिले होंगे जो उनके मरने से पहले बनवा दिए गए थे। हुमायूं जो था वो तो काफ़ी एक बहुत बदनसीब बादशाह था, वो उसका जो पूरा जीवन है ना वो भटकते भटकते ही निकला, और ऐसा भी था कि वो मर गया और सीधा उसकी कब्र को यहाँ लाया गया, ये भी नहीं हुआ था। उसकी कब्र भी बहुत यहाँ वहाँ भटकी, काबुल भी पहुँची और ना जाने कहाँ कहाँ पहुँची, बाद में कहीं जाके उन्हें यहाँ पे दफनाया गया। हुमायूं बहुत रिलीजियस पर्सन था और उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो मैं आपको उसके मौत के बारे में बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ ना कि उसकी एक आदत थी, जैसे वो नवाज़ की आवाज़ सुनता था ना, कि नवाज़ जब वो नमाज अदा करते हैं लोग मस्जिदों से, और वो जैसे मस्जिद से आवाज़ सुनता है तो उसकी आदत थी कि वो जहाँ भी खड़ा वो घुटनों के बल बैठ जाता था।
और हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ने लिखने का। तो उस पुराने किले में जो उसका किला था इनिशियली, तो वहाँ ना लाइब्रेरी है, किसी दिन गया तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो वो लाइब्रेरी में था, उसने नवाज की आवाज़ सुनी और वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। बस बदकिस्मती वो थी कि वो जहाँ लाइब्रेरी में जहाँ खड़ा था ना उस वक्त, उस जगह से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, जो वो बैठा तो अपने ही कपड़ों में उलझ के गिर के, सीढ़ियों से गिरने की वजह से काफ़ी गंभीर चोटें आई और 3 दिन के अंदर अंदर वो मर गया। तो हुमायूं की मृत्यु हुई सीढ़ियों से गिरने की वजह से। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, ये मुगलों का कब्रिस्तान है, आपको बहुत कब्र यहाँ, बहुत आपको टॉम मिलेंगे। इनफैक्ट ये शायद इकलौती ऐसी जगह होगी हिंदुस्तान में जहाँ पे आपको मकबरा मिलेगा, नाई का भी और गार्डनर का भी। मेरे पीछे जो मकबरा देख रहे हो ना, ये नाई का मकबरा है, नाई का मकबरा ये हुमायूं टॉम के अंदर ही है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी दिमाग ला के कोशिश करते हैं, सर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस आर्किटेक्ट के हिसाब से ये जो आप ऊपर देख रहे हो, तो ये फूल स्टार के अंदर फूल, इसका मतलब तो ये है कि ये बनवाया गया था याद में, तो उन्होंने बनवाया था अपनी नाई की याद में। अब चलते हैं थोड़ा सा कब्र की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है दो कब्र, सेंटर में है तो मतलब मेन, इसके मतलब मेन ये रहा होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक आदमी की कब्र है, तो ये नाई की कब्र है। और ये आप इस पे ये निशान देख रहे हो, ऊपर लिखावट देख रहे हो, तो एक फीमेल की कब्र है, ये हमीदा बेगम की, ब्यूटीशियन की कब्र है। पता है हुमायूं टॉम फेमस कब हुआ? जब बराक ओबामा 2 बार यहाँ आया और उसने बोला यार ये तो बहुत हद तक ताजमहल की कॉपी लगती है। इनफैक्ट जब वो दूसरी बार यहाँ आया, तो इंडिया आया जब दूसरी बार, तो उसने बस यहाँ आने की ज़िद की। ज़िद क्या की, मतलब वो यहाँ विज़िट करने आया, उसे ये जगह इतनी अच्छी लगी और फिर उसके बाद लोगों ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लग गए। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो ईशा खां के टॉम में जा रहे हैं, ईशा खां खान। और ये जो आप एंट्रेंस पे देख रहे हो ना, और ये आपको कुछ हिंदू आर्ट अटैक जैसा दिखेगा, ये देखिए ठीक है, ये हिंदू आर्ट अटैक जैसा जो आपको दिख रहा है। यार जो आपने एंट्रेंस पे देखा ना हिंदू आर्ट अटैक, तो ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर था उसे तोड़वा के बनाया गया, ऐसा नहीं था। बेसिकली कारीगर सब थे, हिंदू कारीगर भी थे, क्योंकि देश में तो हमेशा रहे हिंदू मुस्लिम सब रहे इस देश में। तो ऐसा राजा का ये था कि जो अच्छी नक्काशी, राजा क्या बादशाह का ये था कि जो अच्छी नक्काशी करके दिखाएगा, जो अच्छा बना के दिखाएगा, तो डे एंड पे उसकी दिहाड़ी से के साथ साथ उसे कुछ एक्स्ट्रा इनाम मिला। तो बस लोग अपनी अपनी नक्काशियाँ दिखाते थे, जिनमें से एक नक्काशी या एक कारीगरी, लोग अपनी अपनी कारीगरी दिखाते थे जिनमें से एक वो कारीगरी है। ऐसा नहीं था कि मंदिर था और ये, ऐसा नहीं है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये ईशा खान टॉम, तो आप इसे देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये तो लोधी गार्डन में जो टॉम है वो लग रहा है। नहीं नहीं ये अलग है, वो अलग है। बेसिकली ये एक लौता ऐसा टॉम है जो मरने से पहले बनवा लिया था, और वो जो लोधी गार्डन में टॉम है वो है लोधी डायनेस्टी से और ये है सूरी डायनेस्टी से। और इनफैक्ट एक फैक्ट इसका ये है कि पहले ये बना था उसके बाद हुमायूं टॉम बना था। बट भाई यही था हुमायूं टॉम का इतिहास, कहानी उसके पीछे की, उसके पीछे फैक्ट। अगर आपको सही लग रहा हो मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो या मेरे से छूट गई हो, अधूरी रह गई हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे नए अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।